हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एम पॉकेट हायर कर रही है एसोसिएट पोस्ट के लिए, जो कि लॉ एजेंट के रूप में आपको काम करना है। तो वैसे कैंडिडेट जो कि अप्लाई करना चाहते हैं एम पॉकेट में, वो अप्लाई कर सकते हैं। हायरिंग चल रही है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या वर्किंग डेज है, क्या वर्किंग आवर्स है, क्या वीक ऑफ डेज है, क्या सैलरी है, क्या सैलरी डेट है, मैं टोटल इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। मेरे इस वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक वॉच कीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि किस प्रकार आप एम पॉकेट में अप्लाई कर सकते हैं। वैसे कैंडिडेट जिनकी 12th कंप्लीट हो चुकी है, बैचलर डिग्री कंप्लीट हो चुकी है, मास्टर डिग्री कंप्लीट हो चुकी है, और वो अप्लाई करना चाहते हैं एम पॉकेट में, तो मैं कंपनी का एड्रेस जो है वो स्क्रीन पर फ्लैश कर दे रहा हूँ। यहाँ पर जाकर आप डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू दे सकते हैं। सैलरी की बात करें तो सैलरी जो है, अगर आप एक्सपीरियंस बंदे हो तो यहाँ पे 16,000 रुपये CTC बताया गया है। अगर आप फ्रेशर हो तो 14,000 CTC आपको बताया गया है। वर्किंग डेज की बात कर ले तो मंडे टू सैटरडे वर्किंग डेज होगा। वर्किंग आवर्स की बात कर ले तो 8 घंटे का नेट लॉगिन करना होगा, जो कि रोटेशनल होगा। ये डे भी हो सकता है, नाइट भी हो सकता है, स्प्लिट भी हो सकता है। वीक ऑफ डेज की बात कर ले तो एक दिन आपको छुट्टी मिलेगी, जो आपके टीम लीडर के अकॉर्डिंग होगा। सैलरी की बात कर ले, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सैलरी जो है वो CTC 16,000 रुपये आपको कंपनी प्रोवाइड कर रही है। प्लस क्या दोस्तों, कि अगर आप फ्रेशर है तो यहाँ पे 14,000 रुपये समथिंग आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी, मतलब 14,000 सैलरी कंपनी आपको पे कर रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वैसे कैंडिडेट जो कि अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। हायरिंग चल, डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में मैं रेफरेंस आईडी मेंशन कर दे रहा हूँ। यहाँ पे जाके अपने CV को ऊपर लिख लेना है रेफरेंस आईडी, उसके बाद आप जाके डायरेक्ट वॉकिंग इंटरव्यू दे सकते हैं। वीडियो में आप कमेंट कीजिएगा, डू कमेंट एज आई एम इंटरेस्टेड। मैं आपको फुल सपोर्ट करूंगा कि मैं अप्लाई करना है, क्या इंटरव्यू प्रोसेस होगा, क्या क्या इंटरव्यू में क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, सेल्स पे डिपेंड है। मैं आपको क्लियर सी बात करना चाहता हूँ, यहाँ पे जो ये जो जॉब है वो एक तरह का सेल्स जॉब है, एक तरह का लोन रिकवरी जॉब है। मतलब आपको यहाँ पे एक तरह से कि लोन रिकवरी के रूप में वर्क करना है। जो भी कस्टमर लोन लिए रहते हैं, जो डिफॉल्टर होते हैं, जो लोन लेने के बाद वो पैसा टाइमली पे नहीं कर पाते, उनको आपको कॉल करना, कॉल करके पैसे के लिए रिक्वेस्ट करना है कि सर आपका जो प्रीवियस मंथ का जो आपका लोन लिया हुआ था उसका EMI आपने नहीं दिया है। तो ये चीज़ आपका काम रहेगा दोस्तों। यहाँ पे आपका इंसेंटिव भी अच्छा खासा अर्न हो सकता है, अगर हो तो वो अगर टाइमली पैसा पे कर देते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ बेनिफिट मिलता है, मतलब कुछ परसेंटेज आपको भी कंपनी की ओर से दिया जाता है। तो फिलहाल जो है मैं इस वीडियो के थ्रू बताना चाहता हूँ कि एम पॉकेट हायर कर रही है लोन रिकवरी एजेंट के लिए। तो वैसे कैंडिडेट जो कि अप्लाई करना चाहते हैं एम पॉकेट में। और एक चीज़ मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो काफ़ी अच्छा मांगा गया है, क्योंकि यहाँ पे एम पॉकेट जो कंपनी है वो लोन रिकवरी कंपनी है, मतलब लोन प्रोवाइड करती है स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट, बिजनेसमैन। अगर उसकी वीडियो के थ्रू मैंने आपको बताया कि एम पॉकेट हायर कर रही है एसोसिएट पोस्ट के लिए लोन रिकवरी एजेंट के रूप में। तो वैसे कैंडिडेट जो कि अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं, हायरिंग चल रही है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दिल से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।